टीम इंडिया का ये दिग्गज खिलाड़ी हुआ फेल, तो टूट सकता है फाइनल जीतने का सपना। 2003 वर्ल्ड कप में हो चुकी है बड़ी घटना, रहना होगा सावधान। वर्ल्ड कप 2023 के सिर्फ एक मुकाबले में नहीं चला था इस दिग्गज का बल्ला, तो सभी धुरंधर भी हो गए थे फेल। ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी टीम इंडिया। वर्ल्ड कप के हर एक मुकाबले में टीम इंडिया की दीवार बनकर ये खिलाड़ी मचाता है कोहराम। कंगारुओं के खिलाफ इस दिग्गज का है सबसे खतरनाक रिकॉर्ड। जी बस कुछ घंटे का इंतजार, उसके बाद मैदान में इतिहास लिखने की बारी आने वाली है। आज देश भर में फिर से दिवाली मनाई जाएगी। 130 करोड़ देशवासियों के सिर पर क्रिकेट का फीवर सर चढ़कर बोलने वाला है। सड़क से लेकर गलियां सूनी हो जाएंगे। हर कोई टीवी मोबाइल चिपा कर वर्ल्ड कप की दो सबसे खतरनाक टीमों का मुकाबला देखेगा। टीम इंडिया 20 साल बाद किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने भिड़ेगी। 5 बार की वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया से भिड़ने को तैयार है। ऐसे में आज का मुकाबला जीतकर टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की तीसरी ट्रॉफी अपने नाम करेगी। कंगारू वर्ल्ड कप के सबसे बड़े बादशाह है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 की एकमात्र अजेय टीम है जिसने कोई मुकाबला नहीं कमाया है, और ऐसे में टीम इंडिया का चैंपियन बनना तय माना जा रहा है। लेकिन टीम इंडिया को सावधान रहना होगा। टीम इंडिया के इस दिग्गज प्लेयर का चलना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ मटिया मैल हो जाएगा। क्योंकि 2003 में कुछ ऐसी ही घटना हुई थी जो 2023 में भी हो सकती है। एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी है। क्योंकि जब जब इस खिलाड़ी का बल्ला खामोश हुआ है तब तब टीम इंडिया धराशायी हुई है, और इस खिलाड़ी के आउट होते ही कोई और खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाया है। टीम इंडिया बुरी फंस गई है। ऐसे में कहीं फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया न फंस जाए, इस बात का ध्यान देना होगा। और जर्सी नंबर 18 को हर साल में सभी मुकाबले की तरह अपने बल्ले से कमाल दिखाना होगा। तो चलिए आपको 2003 और 2023 के बीच घट रहे उस संयोग की पूरी कहानी बताते हैं जिसका डर हर एक इंडियन फैंस के अंदर है। बताते चले कि सौरभ गांगुली की कप्तानी में खेले गए 2003 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया गजब का खेल दिखाते हुए 10 में से कुल 7 मुकाबले जीती थी। टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन बदकिस्मती ऑस्ट्रेलिया से दूसरी बार चैंपियन बनने से चूक गई थी। उस साल पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सभी धुरंधरों का बल्ला खूब धूम मचाया था, लेकिन जब फाइनल की घड़ी आई थी तो उस वक्त उस खिलाड़ी का बल्ला खामोश हो गया था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बताते चले कि वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर तीनों ने वर्ल्ड कप में खूब रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जिनके नाम 11 मैच में 1 शतक 6 अर्धशतक के साथ 61.18 की औसत के साथ 673 रन थे। सचिन का ये रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के इतिहास का ऐसा रिकॉर्ड था जो आज तक कभी टूटा नहीं था, लेकिन इस साल टूट गया और वो किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए थे। सचिन ने 2003 में जो किया था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। वहीं सौरव गांगुली ने भी 3 शतक जड़कर 465 रन ठोक डाले थे। लेकिन 2003 के फाइनल मुकाबले में सचिन का बल्ला खामोश हो गया था। वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी उम्मीद रहे सचिन तेंदुलकर उस फाइनल मुकाबले में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए थे। सचिन ग्लेन मैग्रा के हाथों आउट हुए थे। सचिन का विकेट गिरते पूरे भारत में मातम छा गया था और टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। ऐसे में इस बार के वर्ल्ड कप 2023 में ऐसा ही कुछ कहीं विराट के साथ न हो जाए। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा 711 रन बना चुके हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 673 रनों का रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में तोड़ा है। विराट वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसे में हर किसी की नजर आज विराट कोहली पर है, कहीं विराट का बल्ला खामोश न हो जाए। क्योंकि विराट के आउट होने के बाद टीम इंडिया जिस तरीके से धराशायी होती है वो हम सब ने देखा है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ के मुकाबले को देख लिया जाए तो विराट कोहली उस मुकाबले में 0 पर आउट हो जाते हैं। विराट के आउट होने के बाद टीम इंडिया रनों के लिए तरस गई थी और 50 ओवर में सिर्फ 229 रन ही बना पाई थी। हालांकि टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने उस मुकाबले को अपने नाम किया था, लेकिन विराट का आउट होना टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं था। कुल मिलाकर टीम इंडिया के इस खिलाड़ी का चलना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड कप का पूरा दांव भी इसी खिलाड़ी पर लगा हुआ है और टीम इंडिया के चैंपियन बनने में विराट बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं।